केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। इस वक्त मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है एसपी सिंह बघेल जी, लेकिन बहुत सारे सवाल विपक्ष इस पर उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का यह भी कहना है कि हमारे मैनिफेस्टो का इसलिए इंतजार रहता है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इस बार भी कई ऐसी चीजें शामिल की गई है मैनिफेस्टो में, क्या यह मानकर चला जाए कि आने वाले 5 सालों का ये रोडमैप है भारतीय जनता पार्टी का? निश्चित तौर से अब भारत की राजनीति में केवल एक ही नेता है जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, ऐसा पिछले 10 साल में देश की जनता ने अपना मानस बना रखा है। जो उन्होंने कहा है वो किया है, इसलिए ये जो मैनिफेस्टो है ये केवल 5 साल का रोड मैप नहीं है, बल्कि भारत 2047 में जब विकसित राष्ट्र होगा, विश्वगुरु होगा, सुपर पावर होगा, नंबर वन इकोनॉमी होगी, उस समय के महल की बुनियाद इस मैनिफेस्टो में भी रखा गया है। तो ये एक दूरगामी है, केवल ये जो कहा है ये सब तो कर नहीं है। अच्छी सरकार वो होती है जो अपनी मैनिफेस्टो को का बड़ा परसेंट 1 साल में, फिर बड़ा प्रतिशत 2 साल में, फिर 3 साल में, और 5 साल आते आते अपनी हर घोषणाओं को जमीन पर उतार देती है, वो अच्छी सरकार होती है। ऐसा 14 से 19 में किया गया, जो 14 में कहा गया, और जो 19 में कहा गया वो 24 में किया गया, और उसके लिए बजट का प्रावधान मोदी जी ने हमेशा रखा है। जो उन्होंने कहा है उसको वो भावनाओं से नहीं होता है, उसके लिए वित्तीय संसाधन होते हैं। तो हर बजट में अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु वो पैसे का इंतजाम करते हैं, और आगे वाली जो घोषणा करते हैं उसके लिए बजट की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल। और एसपी सिंह बघेल जी, एक सवाल ये भी कि कुछ चीजों को तो शामिल किया गया, लेकिन उसके अलावा भी हमने देखा पिछली बार जिन जिन चीजों को शामिल किया गया था, धारा 370 की बात हो, सीए की बात हो, अब इस बार के मैनिफेस्टो में खासतौर पर यह बात है कि पहले की योजनाओं को ही जारी रखने की बात कही गई है, चाहे वो राशन वाली योजना हो, आयुष्मान कार्ड में भी जो एक रीडेवलपमेंट किया गया, हम कह सकते हैं 70 साल से ऊपर के सभी जो बुजुर्ग होंगे उन्हें फ्री में 5 लाख तक का फ्री में इलाज मिलेगा। तो क्या और भी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है अगले 5 सालों में? निश्चित तौर से आयुष्मान को बंद नहीं करना है, 5 किलो गेहूं चावल जो 5 साल तक देने का वादा किया था तो उसको जारी रखना है। आवासों की संख्या और बढ़ा दी गई है, महिलाओं को लखपति बनाने के लिए कहा गया है तो उसके लिए, और इसी प्रकार से जो आधे अधूरे हैं जैसे आवास है तो उसकी भी बढ़ा दी गई है। आयुष्मान कार्ड के लिए मैं बहुत ही प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग बहुधा बीमार रहते हैं, और मैं अक्सर देखता हूँ कि जब वो अस्पताल में जाते हैं तो एक बीमारी के लिए जाते हैं, 2-3 और निकल करके आती है। तो जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क ले रहे हों, 12,000 का शौचालय ले रहे हों, 3 लाख का मकान ले रहे हों, 1,000 रुपए की विधवा दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन की प्रतीक्षा करते हैं, 13 करोड़ किसान उस तारीख की वेट करते हैं कि मोदी जी कब बटन दबाएं और 2,000 रुपए उनके खाते में आए, यदि वो बीमार हो जाते हैं तो वो इलाज नहीं करा पाते हैं। हम गाँव के लोग पहले दिन बीमारी को नोटिस नहीं लेते हैं, दूसरे दिन चाय में अदरक डाल के अपने कप और कोल्ड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये बुजुर्गों की बात हुई, युवाओं के लिए क्या खास है इसमें एसपी सिंह बघेल जी? युवाओं के लिए रोजगार की बात की गई है। एक तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि केंद्र सरकार की सभी नॉन गेस्टेड नौकरियों में और भाजपा शासित राज्य की सभी नॉन गेस्टेड, गेस्टेड नौकरियां कम होती हैं, नॉन गेस्टेड ज्यादा होती हैं, उनमें इंटरव्यू को समाप्त करना युवाओं के लिए लाल कार्पेट बिछा दिया गया है। OMR सीट पर एग्जाम होती है, क्वेश्चन नंबर 1-4 आंसर टिक करते हैं तो पूरे नंबर, गलत करते हैं तो चीजों सही करते हैं ऊपर। अब विवेचक के हाथ में नहीं रहा है कि निबंधात्मक सवाल या शॉर्ट नोट पर वो अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करे, और सरकारों के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा सूची दी जाती है उसके अनुसार फेल नहीं होगा। 100% पारदर्शिता के अनुसार बच्चों को नौकरी मिली है और मिल रही है, जो 10 लाख का वादा किया था, और वो पिछले 2-3 साल से हर महीने की 20-22 तारीख को 70-80 हजार लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलते हैं। मिड कॉन्टेंसी में बच्चे कहते हैं कि फार्म भरते हुए 10-20 रुपए की जो फीस लगती है उसके अलावा चूंकि साक्षात्कार नहीं होता इसलिए हमारी नौकरी हमारे OMR सीट के अंदर होती है, जो कंप्यूटर जानता है, जो किसी नेता की बात नहीं मानता।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एसपी सिंह बघेल जी न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया के और भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो चुकी हैं।